आनंद, क्या जरूरत थी पिया, तुम ऐसा क्यों करी? नहीं पिया, तुम उसे शादी कर रही हो। आनंद, तुम्हें जिंदगी में कभी भी तुम्हें अगर एक दोस्त की जरूरत हो किसी भी मोड़ पर तो मुझे बुला लेना, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। एक मौका मुझे और दे दो प्लीज। आनंद प्लीज, प्लीज डोंट एम्बैरस योरसेल्फ। ओके, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आनंद, इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। प्लीज तुम मेरे इस फैसले का हिस्सा बनो। पिया, ये बल तुम्हारे, ये आसमान तुम्हारा, ये जिंदगी तुम्हारी, ये हंसी तुम्हारी, फैसले तुम्हारे। पिया, ना तो तुम कहीं गिरवी हो, अमानत तुम हो पिया। जानती हो, ये फैसले कभी कभी इंसान की जिंदगियां बना देती हैं, कभी कभी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह खत्म कर देती, या फिर फैसला लेने से डरे। चलो पिया, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, या पिया तुम्हारा मन जो अच्छा लगे वो करो। ये लीजिए दादाजी, आप। चेलाराम, नमस्ते। कैसे हो चेलाराम? कैसे हो सकता हूं, अरे कुली बना दिया इन लोगों ने मुझे। कभी कहते हैं बंबई से चंडीगढ़ चलो, फिर कहेंगे चंडीगढ़ से बंबई चलो। कल को फिर से प्यार हो जाएगा, बोलेंगे सामान पैक करो, सामान पैक करो। हमारा तो सत्यानाश हो गया है। अगर यही हालत रही ना तो हम एक दिन ये सब काम छोड़ के वापस बिहार चले जाएंगे। कैसे हैं दादाजी? हमसे मत पूछो, मत पूछो हमसे कि हम कैसे हैं। हमारी उम्र देखो, ये बाल दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना तुमको? और इस बुढ़ापे में ये मुझसे मेहनत करवा रहा है, दौड़ा रहा है मुझे यहाँ से वहां, वहां से वहां। आकाश, क्यों तुम सबकी परेड करवा रहे हो? किसी को भी नहीं जाना, रिया को नहीं जाना, दादाजी को नहीं जाना। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, ठीक है? चेलाराम, यहाँ आओ और सारे बैग्स अनपैक करो। पिया, ये क्या पागलपन है? मैं पागल हो गई हूँ, मुझे पागलपन करने दो, ओके? ये क्या बेवकूफी है? हाँ हाँ, कभी कभी पागलपन और बेवकूफी में फर्क ही नहीं नजर आता। जैसे कि जो तुम कर रहे हो, मुझे वो बेवकूफी और पागलपन दोनों लग रहे हैं। क्या कर रहे हो आकाश, 2 महीने इधर 2 महीने उधर। तुमसे किसी ने कह दिया कि वो तुमसे प्यार नहीं करती? ये भी नहीं कहा, एक्चुअली सिर्फ ये कहा कि शायद वो करती है, बस उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने के लिए। और तुम तो बस ब्लैकमेल पे उतर आए कि नहीं, अभी के अभी बोलो, नहीं तो मैं चंडीगढ़ भाग रहा हूँ। और तुम्हारी वजह से पूरी फैमिली को सफर करनी पड़ रही है। This is nonsense, आकाश, you've become a blackmailer. Yes, she's right.
अरे यार देखो सही कह रही है बिल्कुल, वो तुमने तुमने अपने दिल की बात कह दी ना जो कहना चाहते थे। अरे बिटिया को भी थोड़ा सा वक्त दो सोचने का, समझने का, ये समझने का कि तुम सही हो या गलत, सर पर सवार हो गए, ये क्या है यार। अरे इसमें सही क्या गलत क्या है, ये इन्हें बचपन से जानती है। तुमसे किसने कहा बीच में बोलने को? एक मिनट पिया, मैं शाम को निकल रहा हूँ, हम शाम को निकल रहे हैं, तुम प्लीज इस घर का माहौल खराब मत करो। देखो एक बात तो मैं तुम्हें अभी क्लियर कर देती हूँ, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आई तो इस घर का माहौल इससे और बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला है। एंड प्लीज नोट, मैंने कहा अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आई। तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं है, बस अब ये मान के चलोगे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हूँ, इसकी तो गारंटी है। बिटिया एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ, अगर तुम इस घर में आ गई, अगर, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि हम दोनों मिलकर इस घर के माहौल को बिगाड़ डालेंगे। पहले क्या कम बिगड़ा हुआ है जो आप और बिगाड़ेंगे? अरे बच्चू अभी तक तो घर सलामत है, बिटिया को आज आने दो, फिर देखो क्या हाल करते हैं हम तुम्हारे घर का, इस घर का। आकाश you quietly sit in that corner. चेलाराम, bags अंदर कमरे में ले जाओ, सारे कपड़े अनपैक करके अलमारी में डाल। चेलाराम, तुम चेलाराम से कुछ नहीं कहोगे, प्लीज जस्ट गो एंड सिट इन दैट कॉर्नर लाइक आई सेड। चेलाराम बैग्स अंदर। चेलाराम प्लीज बैग को नीचे रखो। Are you okay, आनंद? No, Ratna. I'm not at all okay. What's bothering you? मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? रत्ना क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए लंदन जा सकता हूँ? अरे अचानक ये क्या है आनंद? पता मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ रह पाऊंगा। तुम तो बैंगलोर जाने वाले थे बत्रा की नई कॉलोनी शुरू करने के लिए, तुम्हें वो डिजाइन करनी है, तुम्हारे पास इतना काम है तो फिर ये अचानक? रत्ना जैसे तुमने कहा था, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक उसी तरह मैं जिंदगी के उसी मोड़ पर आ गया हूँ जहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं मुझे कहाँ जाना चाहिए। इस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ क्या वो सही है? जिस रास्ते पे मैं चलना चाहता हूँ रत्ना, जिंदगी में दो लकीरें होती हैं, उसमें से हमें एक चुननी पड़ती है। किसी ने कहा कि उसने एक लकीर चुन ली और वो सही थी और मैं अपने मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन क्या एक गलत कदम उठाने से जिंदगी गुम हो जाती? कौन सा गलत कदम आनंद? क्या तुम्हारा और मेरा रिश्ता गलत कदम था? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि यह मुझसे बहुत दूर चली गई, दूर के अब वो मुझे नजर भी नहीं आ रही। मुझे पता था एक ना एक दिन तो ये होने ही वाला था,
कल तक तो एक उम्मीद सी थी कि शायद पिया वापस आ जाए, लेकिन नहीं, हमारे आनंद को तो ये बात समझ में ही नहीं आई। मैं समझा समझा कर हार गई। पिया का तो इस घर से प्यार था, मोह था, उसका मन कभी इस घर से बाहर ही नहीं गया, लेकिन हमारा आनंद समझे तब ना कि उससे अलग होने के बाद भी पिया ने हर रोज हर दिन हमारा हालचाल पूछा, घर के बारे में ना पूछा हो, आनंद के बारे में ना पूछा हो, लेकिन फिर भी वो ये नहीं समझा। मुझे डर था जिस दिन आकाश उसकी जिंदगी में आया, लेकिन बेटा इसमें पिया का कोई कसूर नहीं है। अरे रत्ना कौन है आनंद की, क्या है? काश ये पहले समझ पाता। वो लौट कर गया भी पिया के पास, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पिया ने अपना रास्ता चुन लिया था। मुझे एक अजीब सी खुशी हुई थी जब तू घर लौट आई, तेरा वो रिश्ता खत्म हो गया। आनंद ने आकर कहा कि वो पिया के पास जा रहा है उसे लेने। वो गया भी, लेकिन पिया ने उसे नहीं अपनाया। मुझे लगा था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। सब गलत हो गया बेटा, सब गलत हो गया। मुझे नहीं लगा कि पिया तुमसे अलग रहकर जी पाएगी। न जाने क्यों मुझे लगा कि पिया अब भी तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम भी उससे। मैं अब भी प्यार करता हूं रत्ना, मैंने ये माना भी और तुमसे कहा भी। मैं नहीं जानता था कि मैंने पिया को इतनी तकलीफ पहुंचाई है, इतनी ठेस पहुंचाई है। रत्ना अब मैं जान चुका हूं कि जब कोई किसी को बहुत चाहता है, टूट कर जाता है, और अगर वो इंसान उसे ना मिले तो कितनी तकलीफ पहुंचती है। बस मैं और कुछ नहीं कहूंगा, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि पिया जहां भी रहे खुश रहे। मैं ये प्रार्थना तुम्हारे लिए भी करूंगा रत्ना। तुम लंदन चलना चाहते हो? रत्ना मैं यहां से बहुत दूर जाना चाहता हूं। लेकिन क्या ये सब के बाद तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकती हो? यू नो आनंद, पहली बार मैंने तुम्हें इतना टूटा हुआ पाया है, इतना बिखरा हुआ पाया है। दुख तुम्हें हमेशा था, लेकिन एक उम्मीद भी थी। आज उस दुख के साथ पिया ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। हाय वसीम। नहीं, बस 15 मिनट में निकल रहे हैं। डोंट वरी, हम एयरपोर्ट टाइम पर पहुंच जाएंगे।
हाँ हाँ आनंद भी है। नहीं लगेज ज्यादा नहीं है, डोंट वरी। ओके सी यू। हाय पिया। आकाश आओ बैठो। नहीं थैंक्स, मैं पूछने वाली थी कुछ मदद करूं तुम्हारी, कुछ पैकिंग वगैरह कुछ बाकी रह गया? एक्चुअली नो, सब कुछ हो चुका है, एवरीथिंग्स फाइन। कोई लास्ट मिनट चीज नहीं बची? वेल तुम लोग थक गए होगे, हाउ अबाउट सम टी? मैं चाय बनाऊं? नहीं थैंक्स अ लॉट। लेकिन तुम लोग कुछ लोगे? थैंक्स नॉट फॉर मी। अच्छा हुआ तुम लोग यहीं पे मिल गए, मैंने सोचा था अगर तुम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए होगे तो हम वहां आ जाते। एक्चुअली हम लोग निकल ही रहे थे, पर बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। आई एम वेरी हैप्पी। आनंद तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना, रत्ना आनंद अपने हेल्थ को लेकर बहुत केयरलेस है। I'm sorry, I have to warn you. अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। Don't worry, Pia. आनंद मेरी पहली प्रायोरिटी है। तुम भी अपना ख्याल रखना। You too. और देखो जब भी जरूरत हो don't hesitate to call us. और जब मैं कॉल करूंगी काट मत देना। Well, ये बात बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आई थिंक यू शुड लीव फॉर द एयरपोर्ट। आजकल 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। आई नो, हम निकल रहे थे सो। हम जुदा होंगे सोचा भी नहीं था। आनंद एक नई जिंदगी है, एक नई सुबह, उसे शुरू करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इंसान को दुख जरूर होता है लेकिन वक्त के साथ वो भी खत्म हो जाएगा ना। मैं गुजर चुकी हूं ना उस दौर से जहां तुम हो। आनंद मैं हमेशा तुम्हें याद करूंगी, मुझे हमेशा तुम्हारा ख्याल रहेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम पर कोई भी आंच ना आए, तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ ना हो। पिया मैं खुद दुआ करूंगा कि तुम जहां रहो खुश रहो। पिया तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े बस मुझे याद कर लेना। तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे, तुम मुझ पर कभी भी खरोंच भी नहीं आने दोगे। तुम हमेशा कहते थे ना तुमने मुझे बचपन से पाला है, मैं तो बच्ची थी जब तुमने। आनंद शाबी को बाय पिया। बाय आनंद। Thank you.